HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची, हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। नौ निहालों को शिक्षा की राह दिखाते हैं हम। HM प्ले स्कूल रोड नंबर 13 द्वारिकापुरी लोअर चुटिया रांची। बीजेपी सांसद की आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर शरद कुमार की हत्याकांड का नया खुलासा हो गया है। हजारीबाग पुलिस के दो सूत्रों को गिरफ्तार किया है। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। दिनांक 9 मई 2023 को बड़का गांव में ऋत्विक कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर श्री शरद कुमार की गोली मार करके हत्या की गई थी, जिसमें पुलिस के एक बॉडीगार्ड भी गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। उसी घटना का हम लोगों ने कुछ दिन पूर्व ही उद्भेदन किया था। उसी के कड़ी में आज ये दूसरी बार हम दो लोगों को गिरफ्तार अभी कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जयमंगल मिश्रा और मोहम्मद जाहिद अंसारी उर्फ टैक्सी, इन दो लोगों को आज हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों के भूमिका की अगर बात करें तो जयमंगल मिश्रा द्वारा पूरे घटना का रेकी किया गया था। जयमंगल मिश्रा द्वारा दिनांक 7 मई को भी एक बार अटेम्प्ट लिया गया था, परंतु पिस्टल फंस जाने के कारण वो गोली नहीं चला पाया था, जो बाद में 9 तारीख को इनके द्वारा घटना को कारित किया गया। जहां तक मोहम्मद जाहिद अंसारी उर्फ टैक्सी की बात है, इसके द्वारा जो गाड़ी चलाया गया था और जो शूटर्स आए थे उनको लाने और ले जाने का काम इसके द्वारा किया गया है। इस घटना में प्रयुक्त दोनों बाइक को हम लोगों ने बरामद कर लिया है, जिसमें से एक बाइक का मालिक ये खुद मोहम्मद जाहिद अंसारी उर्फ टैक्सी है। इन दोनों के अलावे कुल 3 लोग इस घटना में और शामिल थे, जो चंदन साहब है उसके अतिरिक्त फिरोज अंसारी, वारिस अंसारी और एक और अमन साहब, पिता वासुदेव साहब, ये लोग अभी फरार है। ये सारे लोग पतरातू रामगढ़ के रहने वाले है और जो अभी लोग दो लोग पकड़े गए हैं, इनके द्वारा कन्फेस किया गया है कि अमन साहू जो गैंग है उसके कहने पर और चंदन साहू जो मेन कॉन्स्पिरेटर है उसके कहने पर ये घटना को अंजाम दिए थे और इनको घटना के तत्काल बाद 10,000 रुपया चंदन साहू के द्वारा उपलब्ध कराया गया था। और चंदन साहू द्वारा ये भी बताया गया था कि कंपनी द्वारा लेवी नहीं दिए जाने के आरोप में इनको ये काम करने के लिए अमन साहू गैंग के द्वारा कहा गया था। मुझे लगता है कि ये जो पूरी मर्डर की मिस्ट्री है, ये जो घटना है, ये पूरे रूप से हम लोगों ने इसका गुत्थी सुलझा ली है और जो बाकी 3 लोग अभी भागे हुए हैं और एक चौथा जो चंदन साहब है, इन चारों लोगों का हम लोग वारंट प्रे करके जल्दी ही इनका कुर्की जब्ती करेंगे यदि ये लोग सरेंडर नहीं करते या गिरफ्तार नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें एक पुलिस जवान भी हमारा घायल हुआ है। तो हम लोग भी काफ़ी परस्यू कर रहे हैं इस मामले को और एक व्यक्ति की इसमें जान चली गई थी। पुलिस ने अपना काम बहुत संजीदगी से और 2400 घंटा जो हमारी टीम थी SDPO बड़का गांव के नेतृत्व में, इसने लगातार काम करते हुए इस पूरे घटना का उद्भेदन किया है। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।